हेलो दोस्तों, तो अभी लगभग वही 12:30 बज चुके हैं रात के, और मैं आ चुका हूँ कानपुर सेंट्रल। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं कल आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, कल आप लोगों से बात करता हूँ। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, ये है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का हाल। हेलो दोस्तों, तो जो भी भाई लोग मेरे फिजिकल देने आ रहे हैं, उन लोगों से मेरा एक ये निवेदन है कि आप लोग 2 दिन एक्स्ट्रा, कम से कम 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि जैसा मैंने भी 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चला है, तो इस समय ट्रेनों की वेटिंग पे ज़्यादा भरोसा ना करें, बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, अपना 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, ताकि बस वगैरह से आराम से टाइम से पहुँच जाएँ। जैसा कि मैंने लखनऊ से जो है रतलाम के लिए टिकट कल बुक की थी, मतलब जिस दिन एडमिट कार्ड आया था उसी दिन मैंने तो बुक कर दी थी। तो उस दिन, हाँ, 3 या 4 तारीख में आया था एडमिट कार्ड, जब पहले दिन आया था मैंने उसी दिन स्लीपर बुक किया था, पर स्लीपर में ज़्यादा वेटिंग की वजह से फिर मैंने उसको कैंसिल किया, और जो है थर्ड क्लास एसी बुक करनी पड़ी मुझे मजबूरन में, और वो भी जो है आज कंफर्म नहीं हुई, साबरमती एक्सप्रेस से थी, कन्फर्म नहीं हुई, तो मुझे फिर कानपुर बस से आना पड़ा। और फिर क्योंकि बस इतना ज़्यादा कोहरा है कि चल ही नहीं पा रही है, 10-20 के स्पीड में चल रही है, तो बस से तो पहुँचना मुश्किल है, 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर मैं कानपुर सेंट्रल आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज रात यहीं रुकूंगा, और मैं क्योंकि चेक करता रहा रेलवे की साइट पर जा जा के, तो मुझे कल शाम 3 बजे का कंफर्म टिकट, 3:30 बजे का भाई कंफर्म टिकट मिल गया है, जो कानपुर से चल के और अहमदाबाद को जाती है, स्पेशल ट्रेन है, तो मैं उसी से कल निकलूँगा, क्योंकि वहाँ भी चल के रूम लेना पड़ेगा अगर जो साबरमती से भी चलते, और ये कंफर्म भी नहीं हो पाई है, तो इसीलिए मैं आज यहीं पे रूम का देखता हूँ, कल फिर मैं आप लोगों से थोड़ी बात करता हूँ। और जो भी आ रहे हैं फिजिकल देने, वो मेरा निवेदन है उन लोगों से कि आप लोग कोहरा देख रहे हैं, कैसे ऐसे में बस चल पाएगी, सब धुंध ही धुंध है। तो मेरा आप लोगों से यही थोड़ा निवेदन है कि आप लोग 2 दिन एक्स्ट्रा कम से कम लेके आइए, नहीं तो फिर मेरे जैसा हाल होगा। हालांकि मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चला हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से तब भी 1 दिन एक्स्ट्रा पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कोहरा बहुत है, बस वगैरह रात में समझ लो चलती नहीं है, बहुत सारी तो रद्द रहती हैं, जो चलती भी हैं बहुत स्लो चलती हैं। तो आप लोग 2 दिन एक्स्ट्रा लेके आइए, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी कल बात करते हैं।